मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षा से संबंधित नियमों, पुलिस और कार्यक्रमों की सिफारिशों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करना भी है। बोर्ड लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं में गुणात्मक सुधार के लिए सिफारिशें करने की भी परिकल्पना करता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 31,000 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने 65 से 69 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस आयु वर्ग की 60,000 से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद वर्तमान प्रदेश सरकार ने गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत की, ताकि संकट के समय लड़कियों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। इस हेल्पलाइन पर लगभग 6400 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि बोर्ड को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं की निगरानी के लिए बोर्ड को नियमित बैठकें आयोजित करवानी चाहिए। सक्षम गुड़िया बोर्ड जो हमने 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसके पीछे प्रमुख रूप से एक लक्ष्य ये था कि एक बहुत दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी, जिसको गुड़िया कांड के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोग इस बात को लेकर के महसूस करने लगे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, और फिर उसके बाद वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बना। और हमने सरकार बनने के बाद दो चीज़ों की घोषणा की थी उस वक्त। एक तो ये घोषणा की थी सरकार बनने के पश्चात कि एक हम एक डेडिकेट करेंगे एक फ़ोन लाइन, जिसको हम गुड़िया हेल्पलाइन बोलेंगे, जिस पर कहीं भी इस प्रकार घटना घटित होती है तो कोई भी बेटी अपने आप से सीधे उस फ़ोन के नंबर पर जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो उस पर हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल नंबर जो है वो 5000 से ज़्यादा 5300 के लगभग जो है वो टोटल, एग्जैक्ट फिगर में तो मालूम नहीं है, लेकिन इतने के जो है वो मामले जो है वो उसके माध्यम से, गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से आए। और उसके बाद दूसरी बात हमने ये कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में गुड़िया बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेंगे, जो अवेयरनेस की दृष्टि से अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, ऐसी घटनाएं घटित ना हो उस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो उस दृष्टि से आज की बैठक ये हमारी जो है उस बोर्ड की बैठक थी, जिसमें सभी माननीय मंत्री विभाग के और साथ में जो इसमें वाइस चेयरपर्सन हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड की, वो भी उपस्थित थी और अधिकारी भी उपस्थित थे। तो उसमें विस्तार से चर्चा की आने वाले समय में अवेयरनेस की दृष्टि से किस प्रकार से हम लोग जो है वो लोग मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं पर्टिकुलरली उसमें जा कर के काम करेंगे, और उसमें इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, कम किया जाए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से यौन उत्पीड़न संबंधी कई मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं इस दौरान सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महिला एवं बाल विकास के निदेशक राखी कहलो ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।